मार्केट में इस तरीके के आमले को देखकर रहा नहीं गया। आमला इतना बढ़िया मिला, इसकी रेसिपी बनाए बिना कैसे रह सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं इसे अलग तरीके से बनाने के। इस आमले के मुरब्बे में खास क्या है? सबसे पहले चूना यूज़ नहीं करेंगे, ना ही फिटकरी यूज़ करेंगे, गोड़ी यूज़ नहीं करेंगे, चीनी यूज़ नहीं करेंगे। इसे देखिए बनाया कैसा है, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह बड़ा बड़ा आमला मिल गया है। तो आप इसे बनाएंगे और पूरे साल एंजॉय करेंगे। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। तो यहाँ देखिए आमले काफ़ी बड़े बड़े अच्छे मिल रहे थे, तो ये मैंने ले लिए हैं। ओवरनाइट मैंने इस आमले को पानी के अंदर रख दिया था। वैसे तो इस आमले के अंदर काफ़ी सारा पानी होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है। बहुत सारे संतरों में जितना विटामिन सी होता है उतना विटामिन सी एक आमले के अंदर होता है। और यकीन मानिए, मेरी गारंटी है, जो लोग आमले का मुरब्बा नहीं खाना पसंद करते, ये वाला टाइप का जो मुरब्बा बनेगा 100% खाएंगे, क्योंकि बहुत टेस्टी बनने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आमले को हमने पोंछ लिया एक कपड़े से, अब इसे फोक से हमें इसे प्रिक करना है। इसके अंदर हम कोई भी चूना या टाटरी वगैरह या फिटकरी कुछ भी नहीं डालेंगे, तब भी ये बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। मैंने यहाँ पर 1/2 kg या उससे थोड़े ज़्यादा है कुल 10 आमले ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। जैसे ही पानी उबल रहा है इसके अंदर प्रिक किया हुआ आमला हम डाल देते हैं। अब इसे मीडियम फ्लेम पर हमें पकाना है 5 से 7 मिनट तक, जब तक कि हम उसे हाथों से दबाएं वो आमला अच्छे से दब जाए, मतलब सॉफ्ट हो जाए। पूरा खिलना नहीं चाहिए, 4 पीस नहीं होना चाहिए, लेकिन खिल जाए बस इतना हमें चाहिए। आमला हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो आमला किसी भी तरीके से हमें खाना चाहिए। और ये मौसम है, बहुत जल्दी जल्दी ये आमले चले जाएंगे, फिर हम ढूंढते रह जाएंगे। तो ये मौसम है, आपको जब भी आमला मिले, छोटा मिले बड़ा मिले, आप ले आइए और इसे बनाइए ज़रूर। ये देखिए आमला बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, इसे मैं पानी से निकाल लेती हूँ। इस पानी को भी आप वेस्ट ना होने दें, ठंडा करके आप इसे वॉश कर लीजिए अपना बालों को। बहुत ही बढ़िया है आमले का पानी। अब आमले तो मैंने कर लिए हैं, इसे सुखाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे बनाने जा रहे हैं जब मुरब्बा, तो हमें गुड़ नहीं चाहिए, चीनी नहीं चाहिए केमिकल वाली, हमें चाहिए मिश्री। मिश्री भी वो जो लंबी वाली मिश्री होती है, धागे वाली मिश्री होती है। किसी भी दुकान पर, आप अच्छी दुकान पर, ड्राई फ्रूट या पंसारी की दुकान पर लेने जाएंगे, मिल जाएगी आराम से। अब इस मिश्री को आपको क्या करना है, छोटे छोटे बारीक टुकड़े करने हैं, या बेलन से या खलबत्ते से कर दीजिए और मिक्सी में डाल डाल कर इस तरीके से इसका पाउडर बना लीजिए। ये ट्रिक आप ज़रूर कीजिए, जिससे ये पाउडर फॉर्म में जब होगा तो आमलों के अंदर ये रस बहुत बढ़िया तरीके से जाएगा और रसीले बहुत बढ़िया आमले बन जाएंगे। अब बारी आती है ये मिश्री है कितनी। जितना हमारे पास आंवला है, वेट कर लीजिए अंदाजे से उतनी ही आपको मिश्री चाहिए। जैसे 600 ग्राम के आसपास मेरे पास ये आंवला है, तो 600 ग्राम या 500 ग्राम के आसपास आपको मिश्री लेनी है। अब हमने एक बर्तन में वही पूरी पिसी हुई मिश्री डाल दी है, आमले डाल दिए हैं। 2 से 3 चम्मच आप इसमें पानी डाल दीजिए। ऐसा ना करें कि बिल्कुल ही पानी ना डालें, 2 से 3 चम्मच, 4 से 5 चम्मच भी पानी डाल सकते हैं। ये सारा पानी खत्म हो जाएगा जब ये उबलेगा धीरे धीरे। वैसे आपको मैं एक और बात बताऊं, आमले का जब भी हम मुरब्बा बनाते हैं कभी भी ये रस जो होता है इसका खराब नहीं होता, जमता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर है, तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। जैसे नॉर्मल हम जब चाशनी बनाते हैं थोड़ा नींबू का रस डालते हैं कि ये जमे नहीं, ये तो ऑलरेडी विटामिन सी है, तो ये चाशनी बहुत ही बढ़िया इसके अंदर शहद की तरह बनी रहे लेकिन जमेगी नहीं। बस इसको चलाइए धीरे धीरे, अगर ज़ोर से चलाएंगे आमला ऑलरेडी सॉफ्ट है वो बिखर जाएगा, 4-4 टुकड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे चलाएं कि बढ़िया से ये आमले साबुत भी रहें और रसीले भी बने। फ्लेम को स्लो ही रखें जिससे चीनी जलने ना पाए। अब यहाँ देखिए धीमी फ्लेम पर ये मिश्री उस पानी के साथ और आमले का जो पानी अंदर से निकल रहा है उसके साथ घुल गया है। अब इसे ढक दीजिए, स्लो गैस पर करीब करीब ये 30 से 40 मिनट तक पकेगा। बीच बीच में आप चलाते रहिए, आप जब बीच बीच में देखेंगे ना इस तरीके से झाग हो जाएगी और आमले का कलर भी चेंज होता जाएगा। आपको बिल्कुल लगातार इसके साथ खड़े नहीं रहना, बस धीमी आँच पर इसे पकने देना है।
आपने कई टाइप के आमले का मुरब्बा बनाया होगा, इस बार आप जब ये बनाकर खाएंगे ना तो आप अपने आप इसका चेंज देखेंगे। देखिए बातों ही बातों में करीब करीब 40 से 45 मिनट हो गए हैं, मुरब्बा बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसका गैस बंद कर देती हूँ और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना ही ये रसीला बना है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं इसे आपको निकाल के दिखा रही हूँ। जब आमला सॉफ्ट भी है, रसीला भी है, उसका कलर भी बहुत प्यारा आया है, तो बहुत ही बढ़िया यही रिजल्ट हमें चाहिए होता है। एक और बात, वैसे तो आमले का मुरब्बा ये तैयार है, आप चाहें तो बस इसे ठंडा करके किसी जार में डाल दीजिए। लेकिन एक और काम मैं यहाँ पर करने वाली हूँ, इसमें मैं कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट डालने वाली हूँ जिससे ये और टेस्टी हो जाए और बहुत ही बढ़िया हो जाए। मैं यहाँ पर तीन चीजें लाई हूँ, आधा चम्मच इलायची पाउडर, आधे चम्मच से भी कम मैं लूंगी यहाँ पर सेंधा नमक या काला नमक, जो भी आपके पास है डाल दीजिए, और आधा चम्मच डाल दीजिए अदरक का पाउडर जिसे हम सौंठ पाउडर भी कहते हैं। ये तीनों को ही मिक्स करके इसके अंदर अच्छे से डाल दीजिए और फिर इसका स्वाद आप देखिए, बहुत ही बढ़िया। गुलाब जामुन से भी ज़्यादा रसीले हैं, टेस्टी हैं, और यहाँ देखिए वो खिला हुआ भी है आमला, मतलब चारों पीस उसके अलग अलग नहीं है लेकिन खिला हुआ है, ये बहुत ही टेस्टी है। अब ये मुरब्बा आप चाहें तो डाल दीजिए किसी जार में, सूखे जार में, और इसे साल भर, डेढ़ साल तक इंजॉय कीजिए, खूब सारे बना के रखिए। यहाँ मैंने थोड़ी चाशनी के साथ इन आंवलों को तो निकाल दिया है, लेकिन बाकी जो चाशनी पड़ी है तो आप इसी में भी डाल सकते हैं, पूरी भरी रहे, या फिर आपको और आंवले बनाने तो उसमें मिश्री थोड़ी कम कर दीजिए, बाकी की ये चाशनी मिला देंगे तभी आपका काम हो जाएगा। मतलब बाद में पूरा इकट्ठा करके 1 किलो आप एक साथ रख सकते हैं, जब दूसरी बार बनाएंगे तो आपकी मिश्री थोड़ी कम क्वांटिटी में लगेगी। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना कीजिए।